वरना मुझे लगा घर वाले मिलके दोनों को मारेंगे। बहुत अजीब लोग है यार तुम लोग, अभी पार्टी खत्म भी नहीं हुई और तुम लोग जाने की बात कर रहे हो। यार देख, माना कि मेरा तेरे पति के साथ चक्कर था, पर इसका मतलब ये नहीं है ना कि तुम उससे बदला लेगी। अरे वो चोर नहीं, पता है उसका बाप कौन है? मेरा भी थोड़ा रज्जो से। रज्जो बेटी इधर आओ। अंकल बस मैं 2 मिनट में आया। आ जाना। सर आप तो मुझे यहाँ काम करते हुए 6 महीने हो गए हैं, प्लीज मेरी सैलरी बढ़ा दीजिए। कितना छुट्टी करती है फिर सैलरी बढ़ाने की बात करती है, जा कॉफी दे और बिल लेकर आ। Honey, it's my visiting card. So tell me, when you are joining my office? Mr. KK, just look at your age. मैं यहाँ पे part-time job करती हूँ। जिस काम की आप बात कर रहे हैं ना, ये मैं नहीं करती। You are so sweet. Thank you. You're welcome. Do you want anything else, ma'am? No, thank you. Okay, thank you. देख सैम्बी, रेट मैंने तुझे बता दिया, उससे 1 मिनट भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। और प्लीज यार मेरा रेट किसी को मत बताना, खास तौर से लवर्स को। एक्चुअली मैं कई बार उनसे ना ज्यादा चार्ज कर लेता हूँ। ओके राहुल। अबे ओके क्या, रोमांस का एडवांस तो देता जा। ये ले बस। कैसी हो तुम? मैं बढ़िया हूँ, तुम कैसे हो? मस्त, बैठो ना। हाँ। एक सेकेंड। अरे एक्चुअली यू नो ना आई एम बैचलर, और बॉयफ्रेंड्स अलाउड ही नहीं है सोसाइटी में। अब वो आदमी मेरा लैंडलॉर्ड था। लैंडलॉर्ड तो तुझे पैसे क्यों दे रहा था वो? अरे एक टाइम ना उसकी वाइफ की बहुत तबीयत खराब हो गई थी, और कुछ आई थिंक कैश का कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, तो मैंने उसकी हेल्प की थी, तो वही वो लौटाने आया था। ओके। मनीषा फोन आया था मेरे पास, कुछ बता रहा था। रिया का मेरे पास भी आया था, वो भी मुझे कुछ बता रही थी। मुझे बोल रहा था कि तू मुझे पसंद करता है। अच्छा तू बता, जब हम एक दूसरे को पसंद करते हैं तो फिर तू अपना रेंट वाला मकान क्यों नहीं छोड़ देती? अच्छा तो मैं रहूंगी कहाँ? यहाँ मेरे घर। Not bad. We are friends now, ना? ठीक है, लेकिन अब जो भी expenses होंगे ना, वो हम half half divide करेंगे। No issue. और okay fine. तो किचन का जो भी खर्चा रहेगा वो मेरा रहेगा और बाहर का तुम्हारा। एक्चुअली मेरा बिजनेस पार्टनर है, तो उसके साथ मेरी मीटिंग है। ओह क्या सोच रही हो तुम?
नथिंग, मैं बस यही सोच रही हूँ कि मैं कल रूम से सामान कैसे लेके आऊंगी। ठीक है ना, कल 12 बजे के बाद मैं फ्री हूँ, तो मैं तुम्हारे घर जाके तुम्हारा सामान ले आऊंगा। और हाँ, तुम अपनी इस डील को कैंसिल मत करना, लाखों की डील है माई स्वीट हार्ट। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू। ये लो, लाखों की डील है। अमीर लड़की पटाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, तो राहुल बेटा बन जाओ कूली। ले भाई पकड़। आ जाओ। जस्ट इग्नोर। लगता है राहुल आ गया। व्हाट द फक मैन। सैम्बी टाइम इज ओवर, अब रूम खाली कर दे। क्या राहुल, थोड़ा तो समय दे, अभी अभी तो शुरू किया है। देख एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे फिर। ये लो, 2 घंटे तक अपनी शक्ल मत दिखाइयो। ये लो खाओ, किचन की जिम्मेदारी मेरी थी, मैं डेली तुझे खाना बना के खिलाती हूँ ना, और तू क्या करता है? आज मार्केट से लेके घर तक तू मुझे पैदल चला के लेके आया, मुझे हद कर रखी है तूने। तो तू मुझे कौन सा शाही पकवान खिलाती है? नूडल्स, नूडल्स। कॉन्स्टिपेशन हो गया मुझे। कॉन्स्टिपेशन हो गया मुझे? खाना तो मिलता है ना तुझे, और हर खर्चा मैं ही करूँ घर में। अच्छा, ये सारे डब्बे तूने भरवा के रखे होंगे यहाँ। खाना है तो खा, वरना मत खा। जा, नहीं खाना मुझे नूडल तेरा, खा ले तेरे नूडल। चल मत खा। आइए बड़ी। राहुल साले तूने कितना झूठ बोला मुझसे कि रूम कार सब रेंट पे देता है, यही धंधा मचा रखा है तूने। साली तू तो चुप ही रह, दोनों एक दूसरे का साथ जानते हैं ना, और प्लीज कीप क्वाइट। अब बता क्या करना है। मैं क्या बताऊं, तू बोल, घर से बाहर निकालना है मुझे? नहीं। तो फिर क्या करना है? तुझे क्या चाहिए? आजादी, फ्रीडम। अबे मैं भी यही चाहता हूँ यार, गरीबी में गुजारा करने का ना कोई फायदा नहीं। आई नो, तू बता क्या करें। मैं तो करोड़पति लड़के बैठाऊंगा। जब से मुझे तुझ पे शक हुआ था ना, तभी से मैंने फील्डिंग स्टार्ट कर दी थी। साली तू तो मेरे से भी बड़ी चीज निकली। मैं लड़की हूँ, बैकअप तो रखना ही पड़ता है। क्या हुआ, तू ऐसे क्यों देख रहा है? तुझे प्यार व्यार तो नहीं हुआ है ना मुझसे? तुझसे? शक्ल देखी तूने अपनी? बहुत सुंदर है। अच्छा मैं क्या सोच रही थी, लेट्स डू आवर ब्रेकअप पार्टी, व्हाट्स इट? तू नहीं सुधरेगी यार, कभी नहीं। अभी लाता हूँ। चीयर्स। और बता। ओए राहुल, कल तो मैं चली जाऊंगी यार उसी अमीरजादे के पास। अच्छा एक बात बता,
मुझसे हैंडसम है क्या? घंटा लेकिन माल बहुत है साले पे। आई मिस यू यार। आई नो। साले कितना चूतिया काटा तूने मेरा, और तेरे साथ ही रोमांस कर रही हूँ मैं। कोई भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, कभी मुझे फोन मत करना। मैंने उसे सच्चा प्यार किया था। तेरी पायलिया छन छन बोले। क्या बोले? के मैं सोच रही थी कि हम यही रेस्टोरेंट क्यों नहीं खरीद लेते हैं। अच्छा, you want this? आप अकेले रहते हो लोनावला में? Alone. Actually, तुम बहुत स्मार्ट और हैंडसम हो। नहीं नहीं ऐसा मत करना, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। 5 लाख। 5 लाख